हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस के ब्रेन्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। डॉगफिश स्कॉलोडॉन में ब्रेन एक कार्टिलेजनस क्रेनियम में एनक्लोज रहता है। सिंपल फ्लैटर्ड ब्रेन है जिसे तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फ्रॉग रेना में जो क्रेनियम है वो बोनी है। ब्रेन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड किया जा सकता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। लिजर्ड यूरोमिस्टिक्स में भी क्रेनियम बोनी होता है और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन ये तीनों ब्रेन के अलग अलग हिस्से हैं। पिजन कोलंबा में भी क्रेनियम बोनी होता है। ब्रेन रिलेटिवली लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है रेप्टाइल्स के कंपेरिजन में और तीन मेन पार्ट्स का बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। रैबिट में भी क्रेनियम बोनी है। ब्रेन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड है, तीन मेन पार्ट्स का बना हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉगफिश स्कॉलोडॉन में एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे मेनिंक्स प्रिमिटिवा कहा जाता है। फ्रॉग रेना में मेनिंजेस दो होती हैं, एक इनर पायामेटर और आउटर ड्यूरा मेटर कहलाती है। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी दो मेम्ब्रेन्स हैं, पायामेटर और ड्यूरा मेटर। पिजन कोलंबा में दो मेनिंजेस हैं, पाया अरेक्नॉइड और ड्यूरा मेटर, जबकि रैबिट और इक्टोलिगस में ब्रेन को तीन मेम्ब्रेन्स कवर कर रही हैं, पायामेटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरा मेटर। अब बात करते हैं इनके अलग अलग पार्ट्स की। तो जो फोर ब्रेन है डॉगफिश स्कॉलोडॉन में वो लार्ज होता है, बाइलोब्ड है, हाईली डेवलप्ड होता है। फोर ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो बाइलोब्ड होती हैं, नोज ब्रेन कहलाती हैं और सेंस ऑफ स्मेल जो है हाईली डेवलप्ड होती है डॉगफिश में। फ्रॉग रेना की बात करें तो पुअर सेंस ऑफ स्मेल देखने को मिलती है, इसलिए ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है स्मॉल होती हैं। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में भी ये स्मॉल हैं क्योंकि इनमें भी सेंस ऑफ स्मेल पुअर है। पिजन में ये स्मॉल होती हैं, सेंस ऑफ स्मेल पुअर है। रैबिट में स्मॉल होती हैं, इलोंगेटेड हैं और सेंस ऑफ स्मेल इनमें भी पुअर पाई जाती है। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो डॉगफिश स्कॉलोडॉन में, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट या पेडंकल और एक ऑल्फैक्टरी बल्ब। फ्रॉग में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लिजर्ड में एक पीडंकल और उस पर एक नोड्यूल की शेप का ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होता है। ये डिस्टिंक्शन पिजन में भी एब्सेंट है और रैबिट और इक्टोलिगस में ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और डॉर्सली क्लब शेप बल्ब देखने को मिलता है ऑल्फैक्टरी लोब में। डॉगफिश स्कॉलोडॉन के केस में जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है वो ऑल्फैक्टरी सैक के पास ही प्रेजेंट होता है, दोनों क्लोजली अप्लाइड होते हैं। फ्रॉग में ऐसा नहीं है, लिजर्ड और पिजन में भी ऐसा नहीं होता, रैबिट में भी ये क्लोजली अप्लाइड होते हैं नेजल सैक के। ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल्स की बात करें तो जो कैविटीज़ हैं वो राइनोसील्स कहलाती हैं और डॉगफिश में ये काफ़ी स्पेशियस होती हैं। फ्रॉग में ये स्मॉल और नैरो हैं, राइनोसील्स लिजर्ड में बहुत नैरो हैं, पिजन में ये एब्सेंट हैं, रैबिट में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं फोरब्रेन के दूसरे भाग की जो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। तो डॉगफिश स्कॉलोडॉन में जो सेरिब्रम है उसमें कोई मीडियन ग्रूव नहीं है, इसलिए राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जैसा कोई डिविज़न यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। फ्रॉग में एक डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिजर देखने को मिलता है जो कि सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह लिजर्ड में भी एक मिड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है जो कि सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है। पिजन में भी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आपस में सेपरेटेड रहते हैं एक डीप सजाइटल फिजर के द्वारा। रैबिट में ये भी
जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं डीप सजाइटल फिजर के द्वारा सेपरेटेड हैं, लार्ज होते हैं और ग्रेटली डेवलप्ड होते हैं। बात करते हैं न्यूरोपोर की। डॉगफिश स्कॉलोडॉन में सेरिब्रम में एक मिड वेंट्रल ओपनिंग होती है, न्यूरोपोर कहा जाता है उसे, जिससे टर्मिनल नर्व्स जो है बाहर एमर्ज हो रही है, लेकिन ये ओपनिंग जो है बाकी समय एब्सेंट है। जो सेरिब्रल सेरिब्रम है डॉगफिश स्कॉलोडॉन में, उसका सरफेस स्मूथ रहता है, उस पर कोई फिजर फोल्ड्स या लोब्स नहीं पाई जाती। लेकिन रैबिट में, बाकी क्लासेस को छोड़ के रैबिट में जो सरफेस है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का, उसमें कई सारे फिजर्स देखने को मिलते हैं। लोब्स में डिवाइडेड रहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिनमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और हिप्पोकैम्पल मेन है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये एब्सेंट होता है डॉगफिश में। फ्रॉग में इसकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, लिजर्ड में ये पोअरली डेवलप्ड है, और पिजन में भी मैमल्स के कंपैरिजन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता, रैबिट में ये वेल डेवलप्ड पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पैलियम की। पैलियम यानी कि सेरिब्रम की जो रूफ है वो डॉगफिश में पोअरली डेवलप होती है, फ्रॉग में आकर ये थोड़ी बेटर डेवलप हो जाती है। इसके बाद लिजर्ड में भी इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पिजन में मैमल्स के कंपैरिजन में लेस डेवलप्ड है, और रैबिट में पैलियम जो है वेरी वेल डेवलप्ड होती है। कॉर्पोरा स्ट्राइटा की बात करें तो जो वेंट्रोलेटरल वॉल्स हैं सेरिब्रम की, वो कॉर्पोरा स्ट्राइटा कहलाती हैं, और ये पुअरली डेवलप्ड होती हैं डॉगफिश में। आगे जाके धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट और एडवांस होता जाता है, और सबसे ज़्यादा ये पिजन में काफ़ी थिक होती हैं और कॉन्स्पिशियस होती है, रैबिट में कंपेरेटिवली लेस डेवलप्ड। कॉर्पस कैलोसम, ये जो ट्रांसवर्स बैंड है नर्वस टिश्यू का, जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में इंटरनली कनेक्ट करता है, ये केवल रैबिट में देखने को मिलता है। बात करते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स की, जिन्हें पैरासील्स कहा जाता है, ये डॉगफिश में प्रेजेंट हैं, स्पेशियस होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, फ्रॉग में, लिजर्ड में, पिजन में भी ये पाए जाते हैं, रैबिट में ये वेल डेवलप होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की फोरब्रेन की, जो है डायन्सीफेलॉन। जो डायन्सीफेलॉन है उसमें जो डॉर्सल रूफ है वहाँ से एक पाइनियल स्टॉक प्रेजेंट होती है, वहाँ से निकलती हुई लॉन्ग, और उसके वो कैरी कर रही है एक राउंडेड पीनियल बॉडी को, ये डॉगफिश में प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग के केस में पीनियल स्टॉक जो है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, टैडपोल में ये पीनियल स्टॉक जो है बियर करती है पीनियल बॉडी को, लेकिन फ्रॉग में पीनियल बॉडी सेपरेट हो जाती है। लिजर्ड की बात करें तो लिजर्ड में एक एंटीरियर पैराइटल ऑर्गन और पोस्टीरियरली एक पीनियल बॉडी देखने को मिलती है, पिजन में पीनियल बॉडी स्मॉल होती है और पैराइटल ऑर्गन एब्सेंट होता है। इसी तरह रैबिट में भी पैराइटल ऑर्गन एब्सेंट है, पीनियल बॉडी स्मॉल राउंडेड होती है, पीनियल स्टॉक भी प्रेजेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं इन्फंडिबुलम की। तो डॉगफिश स्कॉलोडॉन में ये एक प्रोजेक्शन है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है, हॉलो प्रोजेक्शन है ऑप्टिक कियाज्मा के जस्ट पीछे, और इन्फंडिबुलम में एक मीडियन लोब और दो लेटरल स्मॉलर लोब्स होती हैं, जिन्हें इन्फीरियर लोब्स बुलाया जाता है। इसी तरह फ्रॉग में इन्फंडिबुलम एक मीडियन बाइलोब्ड प्रोजेक्शन की तरह प्रेजेंट होता है, लिजर्ड में भी एक स्मॉल इन्फंडिबुलम पाया जाता है ऑप्टिक कियाज्मा के जस्ट पीछे वेंट्रली, पिजन में भी ये प्रेजेंट है, रैबिट में ये काफ़ी शॉर्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं पिट्यूटरी बॉडी की। तो जो इन्फंडिबुलर लोब है मीडियन, उसमें एक हाइपोफाइसिस प्रेजेंट होता है, और ये मिलकर पिट्यूटरी बॉडी बनाते हैं। इसी तरह फ्रॉग में भी इन्फंडिबुलम पोस्टीरियरली, उस पर एक हाइपोफाइसिस प्रेजेंट है और ये मिलकर पिट्यूटरी बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। लिजर्ड यूरोमेस्टिक्स में इन्फंडिबुलर और पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस, ये दोनों मिलकर पिट्यूटरी बॉडी बना रहे हैं। इसी तरह पिजन कोलम्बा में भी इन्फंडिबुलम जो कि वेंट्रल होता है और पोस्टीरियर हाइपोफाइसिस जो है मिलकर पिट्यूटरी बनाते हैं, जिसमें एक इंटरमीडिएट लोब जो है यहाँ पर एब्सेंट है, लेकिन रैबिट में जो इन्फंडिबुलम और हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी बॉडी बना रहे हैं उसमें एक इंटरमीडिएट लोब भी पाई जाती है। कॉर्पस एल्बिकेंस, ये जो है ये केवल मैमल्स में मिलता है, पिट्यूटरी के पीछे एक स्मॉल राउंडेड बॉडी है ये, जिसे कॉर्पस एल्बिकेंस या कॉर्पस मैमिलियन कहते हैं।
फिर बात करते हैं आगे मिडल कमिशर की। तो जो रॉकफिश स्कॉलोडॉन है उसमें जो कैविटी है डायसीफेलोन की वो डायसील कहलाती है और उसमें लेटरली ऑप्टिक थैलेमाई देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके बीच में कनेक्ट करने वाला मिडिल कमिशर जो है वो एबसेंट है। फ्रॉग में भी ऑप्टिक थैलेमाई प्रेजेंट होते हैं लेकिन मिडिल कमिशर एबसेंट होता है। लिजर्ट पिजन में भी मिडिल कमिशर जो एबसेंट है, लेकिन रैबिट में जो ऑप्टिक थैलेमाई हैं वो डायसील के अक्रॉस उनको कनेक्ट करने के लिए एक मिडिल कमिशर प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में आपके ऑप्टिक लोब्स और क्रूरा सेरिब्री को इंक्लूड किया गया है। तो मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में दो लार्ज हॉलो ऑप्टिक लोब्स या कॉर्पोरा बाइजेमिना देखने को मिलती हैं जो कि सेरिबेलम के द्वारा कंसील रहती हैं और इनका काम फंक्शन होता है विजन को कंट्रोल करना। डॉगफिश में ये पाई जाती हैं। फ्रॉग रेना के भी डॉर्सल सरफेस पर ये दो जो मिड ब्रेन है उसके डॉर्सल सरफेस पर दो लार्ज लेटरल राउंडेड और हॉलो ऑप्टिक लोब्स पाई जा रही हैं जिनकी कैविटी ऑप्टोसील कहलाती है और इन्हें कॉर्पोरा बाइजेमिना बुलाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लिजर्ट की। तो उसमें भी हॉलो ऑप्टिक लोब्स या कॉर्पोरा बाइजेमिना पाई जा रही हैं। पिजन में भी दो ऑप्टिक लोब्स कॉर्पोरा बाइजेमिना पाई जाती हैं और ये आपस में एक ट्रांसवर्स ऑप्टिक कमिशर के द्वारा कनेक्टेड रहती है। रैबिट में या मेमल्स में ऑप्टिक लोब्स डिवाइड होकर चार स्मॉल सॉलिड बॉडीज बनाती हैं जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना कहा जाता है और ये कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है कवर रहता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के द्वारा। क्रूरा सेरिब्री की बात करें तो जो फ्लोर है मिड ब्रेन का वो क्रूरा सेरिब्री है और ये पुअरली डेवलप्ड होता है डॉगफिश में। फ्रॉग में ये जो है ऑप्टिक लोब्स को ऑप्टिक लोब्स के जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होते हैं डायसीफेलन और मेडुला को कनेक्ट करते हुए क्रूरा सेरिब्री। इसी तरह लिजर्ट में जो फ्लोर है मिड ब्रेन का वो थिक होकर क्रूरा सेरिब्री फॉर्म कर रहा है जो कि लेस डेवलप्ड। पिजन में भी वेंट्रली क्रूरा सेरिब्री जो है वो थिक होते हैं। रैबिट में ये क्रूरा सेरिब्री ज़्यादा बेटर डेवलप्ड होते हैं। बात करते हैं हाइंड ब्रेन की जिसे हम सेरिबेलम बुला रहे हैं। सेरिबेलम जो है डॉगफिश में तीन लोब्स का बना रहता है और ये लोब्स आपस में दो ट्रांसवर्स फरोज के द्वारा डिवाइडेड है, लेकिन फ्रॉग में लिजर्ट में ये अनडिवाइडेड है। पिजन में सेरिबेलम तीन लोब्स में डिवाइडेड है, एक लार्ज मीडियन वर्मिस कहलाती है और दो जो स्मॉल लेटरल लोब्स हैं वो फ्लॉकुली कहलाती है। रैबिट में ये पांच लोब्स में डिवाइडेड है, मीडियन वर्मिस, दो लेटरल लोब्स और हर लोब जो है टर्मिनेट हो रही है एक फ्लॉकलस में। डॉगफिश में जो डॉर्सल सरफेस है सेरिबेलम का उस पर इररेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी में जो जैसे फ्रॉग है लिजर्ड है उनमें ये जो सरफेस है स्मूथ होता है यानी फोल्ड प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पिजन और रैबिट में सरफेस जो है सेरिबेलम का वो काफ़ी फोल्डेड होता है। वेंट्रिकल की बात करें तो इसकी जो कैविटी है पीसील वो डॉगफिश में काफ़ी एक्सटेंसिव होती है। फ्रॉग में लिजर्ड में बहुत ही स्मॉल कैविटी पाई जाती है। पिजन के केस में सॉलिड है यानी कोई कैविटी नहीं है उसमें। रैबिट में ये जो कैविटी है नैरो और ब्रांच्ड होती है। आर्बर वाइटी की बात करें तो ये आर्बर वाइटी जो है रैबिट में पाया जाता है। जो वाइट मैटर है वो ट्री के समान दिखता है उसी को आर्बर वाइटी बुलाया जा रहा है। पॉन्स वेरोलाई की बात करें तो ये रैबिट में पाए जाते हैं। स्टाउट वेंट्रल ट्रांसवर्स एक नर्वस बैंड है जो कि सेरिबेलम की जो दो लेटरल साइड्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगटा की जो कि हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है। ये डॉगफिश में लार्ज होता है, हॉलो होता है, इसकी कैविटी मेटासील कहलाती है। फ्रॉग के केस में स्मॉल है, हॉलो होता है, अनकवर्ड रहता है। इस तरह लिजर्ड और पिजन में भी ये बहुत ही स्मॉल और हॉलो होता है। रैबिट के केस में ब्रॉड है, हॉलो है और सेरिबेलम द्वारा पार्टली कवर्ड रहता है। मेडुला जो है उसके एंटीरो लेटरली दो हॉलो आउटग्रोथ्स देखने को मिलती है जिन्हें रेस्टिफॉर्म बॉडीज कहा जाता है। ये डॉगफिश में ही मिल रही है, बाकी सब में ये एब्सेंट हैं। इसके अलावा लिजर्ड में और पिजन में मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रल फ्लेक्सर पर मीट करती हैं। ये जो वेंट्रल फ्लेक्सर है ये रैबिट
फ्रॉग डॉगफिश में एब्सेंट होते हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जा रही हैं डॉगफिश, फ्रॉग में, लिजर्ड में और पिजन में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। इसी तरह मैमल्स में, रैबिट में भी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है।